हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से बॉलीवुड सिनेमा की एक और अपकमिंग एंड मच अवेटेड कॉमेडी एंटरटेनर हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्त्री 2 सरकटे का आतंक को लेकर, जो कि कल से रिलीज़ हो रही है और अब से कुछ घंटे पहले से ही इस फिल्म के पेड प्रीव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस करेंगे छोटा सा रिव्यू और जानेंगे कि फिल्म को लेकर ऑडियंस कितने एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जहाँ पर वेदा और खेल खेल में दो बड़ी फिल्में इस फिल्म के कंपैरिजन में रिलीज़ हुई हैं और उन दोनों का जो कलेक्शन है इस फिल्म के कलेक्शन के कंपैरिजन में 10% भी नहीं है। और कहीं ना कहीं स्त्री 2 को वेदा और खेल खेल में के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स प्रोवाइड कराई गई हैं। बात की जाए अगर ऐसे में कलेक्शन की कि फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि स्त्री 2 बनने जा रही है राजकुमार करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, वन ऑफ द हायर ओपनर फिल्म, जहाँ पर इसको ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इस फिल्म के अधिकतर शोज हाउसफुल हैं अर्ली मॉर्निंग से। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के कल 1000 से भी ज़्यादा शोज हाउसफुल रहने वाले हैं और बाकी इस फिल्म की ऑन स्पॉट बुकिंग से पता चलने वाला है कि फिल्म एक्चुअल में कितने पानी में है। वेल, पब्लिक की तरफ से काफ़ी धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी धमाकेदार रिव्यूज़ मिल रहे हैं और ऑडियंस इस फिल्म के ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग आप देख सकते हो कि किस तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर ये फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दे रही है। और इस वक्त राजकुमार राव, अक्षय कुमार और जॉनी ब्राइम जैसे सुपरस्टार्स को पीछे कर चुके हैं अपनी फिल्म स्त्री 2 के जरिए। वेल, कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो क्रेडिट है वो जाता है इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि श्रद्धा कपूर को, जिनकी इस वक्त फैन फॉलोइंग बॉलीवुड की एक्ट्रेस में सबसे ज़्यादा है, सबसे टॉप पर है। इवन कुछ ही दिनों में वो प्रियंका चोपड़ा को भी पीछे करने वाली है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, काफ़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 के बाद में। फिर आपका क्या कहना है स्त्री 2 को लेकर, आपकी राय क्या है, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।